नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेम्प्रेरी सेपरेशन क्या होता है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है या मेरा सेपरेशन हो गया मेरे पार्टनर से, तो क्या दोबारा पैचअप होने के चांसेस हैं, क्या वो दोबारा मेरी ज़िंदगी में आएगा। ज़्यादातर सबका सवाल का जो मतलब ये होता है वो यही होता है कि क्या वो जो सेपरेशन है वो टेम्प्रेरी है, क्या वो कुछ देर के लिए है, क्या वो लंबा सेपरेशन है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, आपके सवाल का जवाब भी है और इस वीडियो के अंदर हम खुल के इस बारे में बात भी करेंगे टेम्प्रेरी क्या होता है और परमानेंट क्या होता है, कि कितने चांसेस हैं कि टेम्प्रेरी हो सकता है और कितने चांसेस हैं परमानेंट हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। देखिए, टेम्प्रेरी सेपरेशन के चांसेस उसी उसमें बनते हैं, चांसेस आपकी कुंडली में तभी बनते हैं जब आपके लव ब्रेकअप्स के अंदर सिक्स हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो जाए। अब सिक्स हाउस की इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है वो आपको समझने की ज़रूरत है। इसके ना कई फेजेस बनते हैं सेपरेशन होने के। सेपरेशन के चांसेज अगर हम निकालने जाएँ, रीजन्स निकालने जाएँ, तो रीजन्स तो बहुत बन जाएंगे, तो ये छोटा ये एक वीडियो कम पड़ेगा, मगर हम हल्की फुल्की बारीकी से आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा जिससे आपको थोड़ा सा इसका आइडिया लग जाए। देखिए, दो तरह का लव हो गया। एक हो गया प्लूटोनिक लव, जिसे हम कहते हैं रियल लव। रियल लव जो होता है वो हमारे अपने अंदर होता है। अगर हमारे अपने अंदर रियल लव है, हमारा दिल अगर भरा पड़ा है प्यार से और हमारे को किसी में कुछ बुराई नज़र ही नहीं आती, मतलब अगर हमारे अंदर प्यार है तो हमें सब में प्यार नज़र आएगा, तो उसमें ब्रेकअप होने के चांसेस भी नहीं होते। जहाँ प्यार दिल में होता है और भरा पड़ा होता है तो उसमें ब्रेकअप नहीं होता, क्योंकि ब्रेकअप उसमें क्या होता है, जब हमारे दिल में प्यार भरा होता है तो हमें सामने वाले की कोई कमी ही नज़र नहीं आती, सामने वाले में कोई प्रॉब्लम नज़र ही नहीं आएगी, कोई कमी नज़र ही नहीं आएगी। जैसा भी होगा, गोरा काला मोटा पतला, अलग जात का दूसरी जात का, छोटा उम्र का बड़ी उम्र का, उसको कोई मतलब नहीं है। उस इंसान में जिसकी कुंडली के अंदर रियल लव के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उसको बस प्यार है, चाहे वो आदमी उससे दूर है, चाहे वन साइडेड लव है, चाहे वो आदमी उसको टाइम दे ना दे, वो कैसा भी हो, मगर उसके अंदर से प्यार ख़त्म नहीं हो सकता। तो जिसके अंदर से प्यार ख़त्म नहीं हो सकता, वहाँ ब्रेकअप की बात करना ही बेकार है, कि समझ लीजिए वहाँ पे ब्रेकअप हो ही नहीं सकता और होगा भी नहीं। ठीक है, तो वो जो कॉम्बिनेशन बनता है रियल लव का, हालांकि इस वीडियो से कोई मतलब नहीं है मगर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा। तो वो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो फिफ्थ हाउस का बनता है, कि अगर आपकी फिफ्थ हाउस की दशा चल रही है, सिर्फ फिफ्थ हाउस की, फिफ्थ हाउस की दशा फोर्थ भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है, सिक्स एट और ट्वेल्व नहीं हो सकते, मेरी बात को समझेगा। फिफ्थ हाउस के साथ इलेवंथ हाउस का कनेक्शन बैठ जाएगा तो ये सोने पे सुहागा हो गया। मतलब आपकी कोई ऐसी, मान लीजिए वीनस की दशा चल रही है और वीनस फिफ्थ का लॉर्ड है और बैठा हुआ इलेवंथ में, वीनस फिफ्थ का लॉर्ड है और बैठा हुआ इलेवंथ में। अब वीनस का कनेक्शन फिफ्थ हाउस का इलेवंथ हाउस के साथ हो गया और वीनस की महादशा आपकी शुरू हो गई है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सेपरेशन के चांसेस बनेंगे नहीं, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ होगा ही नहीं, आपकी तरफ से कोई मनमुटाव नहीं होगा, कोई गलतियां आप सामने वाले की पकड़ेंगे भी तो उसको खींचेंगे नहीं, उसको मतलब नज़रअंदाज करने की कोशिश करेंगे, तो मतलब मन के अंदर कुछ मैल ही नहीं है ना, मन के अंदर कुछ थॉट ही नहीं है, मन के अंदर सिर्फ प्यार है। जैसे हम कहते हैं ना कि गोपियों को प्यार था श्री कृष्ण जी से, तो बस वो वाला प्यार होता है कि एक प्लूटोनिक लव, रियल लव, माँ बेटे का प्यार, कि जिसमें बेटा कहीं भी है मगर माँ को बस लगता है कि प्यार है, उस हिसाब से ऐसा प्यार आपको जो मिलेगा वो फिफ्थ हाउस का इलेवंथ हाउस के साथ कनेक्शन होगा महादशा के अंदर, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, आप ये कनेक्शन आप देख सकते हैं अपने कुंडली के अंदर। अब दूसरा कनेक्शन, कि आपका कहाँ ब्रेकअप के चांसेस बनेंगे, उस सबसे पहले कि आपको देखना है कि आपकी महादशा के अंदर कौन से चांसेस हैं। महादशा के अंदर फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस का कनेक्शन तो नहीं बन रहा, या फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस का कनेक्शन तो नहीं बन रहा, या फिफ्थ हाउस का और ट्वेल्थ हाउस का कनेक्शन तो नहीं बन रहा, इनमें से कोई भी कनेक्शन, या तो फिफ्थ एट्थ और ट्वेल्थ तीनों का, या फिफ्थ के साथ एट्थ का, या फिफ्थ के साथ ट्वेल्थ का, इनमें से कोई भी कनेक्शन बन रहा है, तो इसका मतलब ये जो लव है, इस लव में आप सारी चीज़ें देखेंगे। ये एक ऐसा प्यार है कि जिसके अंदर आप सामने वाले के साथ अपना फ्यूचर गुजारना चाहते हैं, सामने वाले के बात बारे में आप गहराइयों तक जाना चाहते हैं, उसका अगला पिछला, उसके साथ अपना टाइम, जिसे हम कहते हैं ना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपना प्यार चाहते हैं कि हम जिस पे प्यार अपना न्योछावर कर रहे हैं, या हम जिससे प्यार कर रहे हैं, क्या वो फ्यूचर में ठीक होगा नहीं होगा, उसका बैंक बैलेंस कैसा है, उसका नेचर कैसा है, रिस्पेक्ट करेगा फ्यूचर में नहीं करेगा, तो वो जो प्यार होगा उस प्यार में काफ़ी सारी कंडीशंस और काफ़ी सारी गहराइयाँ होंगी।
काफ़ी डीप थिंकिंग होगी, काफ़ी फिजिकल रिलेशंस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, फिजिकल रिलेशंस इन्वॉल्व होंगे। तो ये जो मतलब फिजिकल रिलेशन नहीं हुए तो ब्रेकअप हो सकता है, कुछ भी, तो कहीं ना कहीं ये जो लव होगा इसके अंदर ब्रेकअप के चांसेस बन सकते हैं। अब इसके अंदर ब्रेकअप के चांसेस कैसे बन सकते हैं ये आप समझिए। सबसे पहले टेम्पररी की वजह बता देता हूँ और परमानेंट की बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके महादशा के अंदर सिक्स हाउस इन्वॉल्व है, आपकी जो महादशा चल रही है उसके अंदर सिक्स हाउस भी इन्वॉल्व है, फिफ्थ हाउस है, इलेवंथ हाउस है, तो मैंने बता चुका हूँ उसमें चिंता की बात नहीं है। मगर अगर सिक्स हाउस भी इन्वॉल्व है इसके अंदर तो ये समझ लीजिए कि ये फिर टेम्पररी नहीं होगा ज़्यादातर, 70% चांसेस, क्योंकि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन तो कुंडलियों के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहाँ से घुमाना है, कैसे चीज़ें देखनी है, कैसे दशा आ रही है, मगर मैं 70% जो आपको बताना चाहता हूँ अपनी तरफ से वो ये है कि अगर सिक्स हाउस की दशा भी फिफ्थ हाउस के साथ है, मान लीजिए फिफ्थ और सिक्स का लॉर्ड इकट्ठा है, मान लीजिए शनि है फिफ्थ और सिक्स का लॉर्ड, या फिफ्थ का लॉर्ड सिक्स में बैठा हुआ है, ऐसा कोई कनेक्शन बन रहा है आपका, तो ये समझ लीजिए कि फिर जो है ये ब्रेकअप टेम्पररी नहीं है, ये ब्रेकअप परमानेंट। अब टेम्पररी कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। महादशा में फिफ्थ हाउस की या सिक्स हाउस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब महादशा के बाद दशा होती है, वो दशा में सिक्स हाउस की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, दशा में सिक्स हाउस की इन्वॉल्वमेंट है। अब दशा में सिक्स हाउस की इन्वॉल्वमेंट है, अब उसको अगर कोई अंतरदशा मिल गई जिसमें सिक्स हाउस की इन्वॉल्वमेंट होगी तो ये ब्रेकअप हो जाएगा। अगर उसको सिक्स हाउस की दशा ही अंतरदशा भी मिल गई तो ये ब्रेकअप होने के चांसेस बन जाएंगे। या फिर राहु केतु और शनि और मंगल, इन चारों की अंतरदशा मिल गई, मैं टेम्पररी की बात कर रहा हूँ महादशा की नहीं, इन तीनों चारों की अंतरदशा मिल गई तो टेम्पररी सेपरेशन के चांसेस बनेंगे। अगर सिक्स हाउस हुआ तो ये टेम्पररी सेपरेशन करा के छोड़ेगा। अगर सिक्स हाउस इन्वॉल्व नहीं हुआ, मान लीजिए इन चारों में भी सिक्स हाउस की कोई एंट्री नहीं है, इन चारों का कोई रिलेशन नहीं है सिक्स हाउस के साथ, तो आपके ब्रेकअप के चांसेस बनेंगे। जैसे हल्का फुल्का झगड़ा हुआ मगर वो ब्रेकअप नहीं होगा, छोटी मोटी लड़ाई होगी, रात को लड़ाई हुई, दो दिन बाद बात होगी, तो वो ब्रेकअप नहीं हुआ। ब्रेकअप तो हो गया मतलब कि भैया वी नीड स्पेस, हमें बात ही नहीं करनी है, तो वो तो ब्रेकअप होता है। अगर ये प्लैनेट्स हैं, क्योंकि राहु केतु शनि क्या होते हैं, हम कहते हैं कि राहु केतु शनि खराब प्लैनेट हैं, ये आपका ब्रेकअप करवाते हैं या आपका एंड करवाते हैं। एक बात को दिमाग में समझिए, राहु केतु शनि इज द सपोर्टर ऑफ सेपरेशन। मान लीजिए आप किसी रिलेशन में चल रहे हैं बड़े टाइम से और बहुत परेशान चल रहे हैं और वो निकल नहीं पा रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं और फंसे हुए हैं उसमें और आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो राहु केतु शनि आपको हेल्प करेंगे उस रिलेशन से बाहर आने में। अब आप इसको गलत समझिए या सही, आपकी सोच के ऊपर है कि आप फैसला नहीं ले पा रहे थे, परेशान चल रहे थे, तो राहु केतु शनि ने आपको फैसला करवाया और आपको साइड करवाया। एक आप चाहते थे कि यार समाज क्या कहेगा, ब्रेकअप हो गया, घर वालों से शादी की बात पूरी चल रही है, अब राहु केतु शनि आ गए, मैंने फैसला गलत ले लिया, मेरी बुद्धि खराब हो गई, मैंने ब्रेकअप कर लिया, तो वो आप कैसे इसको लेते हैं वो आपने देखना है, क्योंकि आपकी अपनी अपनी सोच से आप ले सकते हैं ना। मैं अपनी सोच आपके ऊपर नहीं थोपूंगा कि मैं सोचता हूँ कि राहु केतु शनि आ रहे हैं, आपका ब्रेकअप हो गया, सही नहीं हुआ या ब्रेकअप होना चाहिए था, तो मेरी सोच पे नहीं, आप इसको कैसे लेते हैं ये आपने देखना है। मैंने आपको बताया कि राहु केतु शनि हेल्प करेंगे आपको सेपरेशन होने में, मगर अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट सिक्स हाउस के साथ नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बादल बनेंगे, बारिश नहीं आएगी, बादल बनेंगे मगर बारिश नहीं आएगी, तो आपको घबराने की इतनी जरूरत नहीं है। अब दोबारा पैचअप कैसे होगा, मान लीजिए सेपरेशन तो हो गया, अब दोबारा मान लीजिए जब उसको अंतरदशा मिलेगी फिफ्थ हाउस की वापस, या इलेवंथ हाउस की, फिफ्थ हाउस की या नाइन्थ हाउस की, अब फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस या इलेवंथ हाउस किसी की भी तीनों की दशा मिल गई तो दोबारा पैचअप हो जाएगा, तो दोबारा पैचअप हो जाएगा। मगर अगर उसको लगातार सिक्स्थ हाउस की दशा मिलती रही, मान लीजिए एक दशा आ गई छः महीने की सिक्स्थ हाउस की, अगली दशा में भी सिक्स्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो डेढ़ साल दो साल का गैप आ जाएगा। मगर उसके बाद भी अगर महादशा स्ट्रांग है, महादशा में फिफ्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट है और सिक्स्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो चाहे डेढ़ साल बाद पैचअप होगा, पैचअप, तो बस हमें वेट करना है उस अंतरदशा का कि वो अंतरदशा कब आएगी, फिर पैचअप के चांसेस हम थोड़े से एफर्ट्स करेंगे या ऑटोमेटिकली सामने वाला वापस आ जाएगा। तो ये पैचअप के और टेम्पररी सेपरेशन के कुछ कॉम्बिनेशन थे। मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैं पूरी तरीके से बता पाया हूँगा, मगर क्योंकि जितना मैं समझा सकता था अपने लेवल से बिना कुंडली के, मैं उतना ही समझा सकता था, क्योंकि अगर मैं कुंडली लगा के समझाऊंगा तो वो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा। बेसिकली हमने समझना है कि हमारे फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की दशा है,
अगर वो 11th हाउस के साथ कनेक्शन है, पता चल जाता है कनेक्शन विथ कलॉर 11th में, या कहीं ना कहीं उसका नक्षत्र 11th का 11th में है, या नक्षत्र का 11th से कोई रिलेशन है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी तरफ से तो होगा ही नहीं ब्रेकअप, तो अगर ये 6th हाउस इन्वॉल्व होता है तो ये ब्रेकअप करवाएगा, ये ब्रेकअप करवाएगा। और 8th हाउस और 12th हाउस तो मैंने आपको बताया गहराइयों तक जाते हैं, थोड़े झगड़े करवाएंगे, थोड़ा सा आर्गुमेंटेशन, और कई रीजंस बन सकते हैं। सेकेंड हाउस इन्वॉल्व हुआ तो फैमिली इन्वॉल्व हो जाएगी, 7th हाउस इन्वॉल्व हुआ तो शादी की वजह इन्वॉल्व हो सकती है, अग्रेशन आ सकता है, गुस्सा, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से कुछ ठीक लगी होगी। आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ है।